हाई गाइज, वेलकम बैक टू हैक आइडिया ट्रिक विद सुचिता. फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी, लास्ट वीक मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन. आई वॉज स्टक विद समथिंग. सो आ गई मैं फिर से कुछ नया लेके आपके लिए. तो आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑयल डिस्पेंसर. मैं ऑयल डिस्पेंसर से रिलेटेड ये वीडियो क्यों लेके आई हूँ? So guys, we have been looking out for various options and several other options जो market में available हैं, उनको test and try किया और उसमें से कुछ results हमारे successful हुए, कुछ हमारे results successful नहीं हुए. So ये video मैं इसलिए ला रही हूँ, शायद ये आप भी search कर रहे हों और आपके पैसे waste ना हो, ताकि मैं आपको ये experience के through बता सकूँ कि आप किस में invest कर सकते हो. That is why I am preparing this video. So this video is about which oil dispenser you can go for and which will help you not only for as in a purpose of oil dispenser, but you can use those product for other options also. So पहले तो guys, हमें oils कुछ इस तरीके के bottles में आते हैं जो हम regularly use करते हैं अपने घर में. So definitely plastic is not a feasible source which you should go for. सो हमने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए बिकॉज ऑब्वियसली ऑयल इज़ वन थिंग, थोड़ी चिपचिपी होती है, ओवर टाइम उसे क्लीन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो उसी से रिलेटेड आपके पास क्या फीजिबल प्रोडक्ट होगा जिसमें आप उसको एक्चुअली स्टोर कर सको और ईज ऑफ यूज़ भी हो. सो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है. चलिए मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हूँ. These are some of the options which we have used and out of which some are successful. इस साइड में आप जो देख रहे हो ये एक्चुअली हमारे सक्सेसफुल ऑयल डिस्पेंसर है जो हमने रिसेंटली यूज़ करना शुरू कर दिया है. बट आई विल जस्ट गो थ्रू दीज सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि वाई वी ऑप्टेड फॉर दिस वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वो प्रोडक्ट अभी है नहीं हमारे पास अवेलेबल, बट बहुत पॉपुलर है. प्लास्टिक की बॉटल्स होते हैं, इट्स लाइक ए जार, जैसे आप पानी के जग्स यूज़ करते हो सिमिलर वे के होते हैं. वी यूज्ड दैट एज वेल, बट इट्स अ बिग नो. प्लास्टिक्स आर बिग नो फॉर एनी स्टोर स्टोरेज ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो सेकेंड ऑप्शन विच वी वेंट वॉज फॉर दिस डिस्पेंसर, ऑयल डिस्पेंसर. ये भी बहुत कॉमन है, बहुत ईजिली अवेलेबल है, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट ओपन्स अप लाइक दिस so that you can fill in oil and then you just have to close it or you can just pour oil with this one. Now demerit relating to this particular thing was that after a certain period of time we have seen that the oil used to give a little bit different smell when we used to store it in this. And at the same time, just because इसकी जो outlet है वो बहुत ही thick है, तो oil की actual quantity हमें कितनी डालनी है वो हमें समझ नहीं आती थी और हमेशा ज़्यादा ही गिर जाता था. And at the same time, ये थोड़ा bulky है, heavy है, इसको उतने अच्छे से manage कर पाना is little bit complicated. And at the same time, we think that ki because aapke oil se kuch alag type ki smell aane lag rahi hai, toh maybe we don't know what is going on inside. Usually we keep our things very clean. Aisa nahi hai ki we are storing old oils over here. It's new, but still we face that kind of problem. So this was eliminated from our end. Then we definitely use these bottles for couple of time. Obviously Figaro ke hum jo steel wale bottle mein oil aati hai humne us bottle ko use kiya, but usme problem ye thi ki jab aap oil pour karte ho to wo uske jo upper part hote hain usme reh jate hain, puri cleanly pour nahi ho pate hain. So we actually chucked off that option also. Then we kind of got this particular bottle. ये easy to handle था करना, but problem इसमें भी ये थी कि इतना छोटा है कि we could use it for maybe a week or so and then the oil will finish, you have to refill it and then use it.
इसके साथ हमें इस तरह के स्टॉपर्स मिले थे जिस जो विच इज़ वेरी फीजिबल. ये ज़्यादा ऑयल पोर नहीं होने देते हैं एंड एट द सेम टाइम इट वर्क्स एफिशिएंटली. आई विल से इतना वाव प्रोडक्ट नहीं है, बट या वी गॉट टू नो कि हमें ग्लास की बॉटल्स पे ही जाना है और इसके थोड़े बड़े प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है. सो देर वर टू ऑप्शंस विच वॉज अवेलेबल इन द मार्केट. सो आई जस्ट शो यू वन एग्जाम्पल. सो दीज आर द बॉटल्स विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आपके पास बॉटल्स हैं और वो 1 लीटर के हैं तो यू कैन यूटिलाइज इट. यू ऑल्सो गेट दीज काइंड ऑफ स्टॉपर्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू what this is. If you see that there is a circles which actually stops the mouth of your any particular glass bottle, or with this you can actually pour the oil, and you can also control the limit of oil what you want to pour. तो ये हमें बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, बट एट द सेम टाइम वी ट्राइड एंड टेस्टेड. ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई नहीं किया एंड देन वी आर गोइंग टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विथ यू. वी हैव ट्राइड इट, इट्स सक्सेसफुल एंड दैट्स हाउ वी थॉट दैट वी शुड शेयर इट विथ यू ऑल्सो. सो विद दिस वी ऑल्सो गॉट अ क्लीनर लाइक दिस. जब भी आपको लगे कि देर इज समथिंग स्टक इनसाइड, या फिर अब इसको क्लीन करने का टाइम आ गया है, जस्ट यूज दिस टू क्लीन योर स्टॉपर एंड आई थिंक इट वर्क्स फाइन. Now in this also I'll show you two type of options which we have right now and what we are preferring. So guys, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है. आप अगर देखोगे कि इसके स्टॉपर में एक एक्चुअल में लिड जैसा है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पोरिंग ऑयल एंड देन इट्स डन, यू जस्ट क्लोज इट सो दैट नथिंग फॉल्स इनसाइड एंड इट स्टेज क्लीन. सो वी प्रेफर दिस ऑप्शन मोर बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा स्मार्टली थॉट करके बनाया गया है. बट एट द सेम टाइम अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कोई भी स्टॉपर नहीं है. इट्स फ्री, इट कैन बी कभी किसी से गलती से अगर गिरा तो हो सकता है कि ऑयल भी गिर जाए. तो इसके साथ हमें ये वाले स्टॉपर्स आए थे विच इज़ काइंड ऑफ नॉट फीजिबल इन यूज़. बट हाँ, अगर आपकी प्रेफरेंस ऐसी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ टोटली फाइन. आई मीन प्रोडक्ट वाइज दोनों सेम है, इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है. एंड द गुड पार्ट अबाउट दीज थिंग्स आर दैट इवन इफ अगर बॉटल टूट जाता है, यू कैन यूज़ इट विथ एनी अदर बॉटल. सो नाउ वी हैव यूज्ड इट सम विथ द बॉटल विच इट केम like this, and some which we have used is for old bottles like this one. We usually order oil and it comes with this bottle. तो हमने सिर्फ ये स्टॉपर यहाँ पे लगा दिया है. सो इट्स अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू यूज. Now, other very smart option for you to use such bottles is obviously अगर आपकी bottles कुछ इस तरह के glasses के आ रहे हैं, even for plastic, if you think that this cap is getting fit on it, you can use it. अगर आपके घर में wine bottles हैं, like this one is recently finished, so इसमें भी इसको use करना बहुत easy है. You just have to put it inside. एंड इट परफेक्टली फिट्स. बट किसी किसी बॉटल में हमें ये सिचुएशन फील हुई थी कि अगर वो 1 लीटर के नहीं हैं या फिर छोटे हैं तो उसमें शायद ये फिट नहीं होता है. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई सच ऑप्शंस एंड यूज इट. नाउ अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू टू यूज इट फॉर ऑयल. यू कैन यूज इट फॉर वेरियस अदर सॉसेज इफ यू लाइक कुकिंग. You can use it for various type of vinegars. So this is up to you how you want to use it. It's a product which you can use in multiple way. The way you have to decide and define. आपको choose करना है कि आप इसे किस तरह से use करना चाहते हो.
रेस्ट एंड ऑल आई थॉट कि मुझे ये बहुत फ्रूटफुल मेथड लगा टू यूज इट एट योर होम एंड ऑल्सो एक मेरिट मैं इसकी बतानी चाहूँगी आपको कि हेंस दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास आई नो यू हैव टू हैंडल इट विथ केयर बट इसको क्लीन करना बहुत आसान है यू जस्ट हैव टू यू नो यूज एनी हॉट वाटर जब भी आपको लगता है कि ये गंदा हो गया है जस्ट यूज अ डिश वॉशर एंड क्लीन इट एंड यू आर गुड टू गो यू डोंट हैव टू मेंटेन इट टू मच वहीं अगर आप प्लास्टिक का यूज करते हो या फिर स्टील का यूज करते हो आई थिंक द वियर एंड टियर डज नॉट गेट्स बैक टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि वो आपको नए जैसा लगे That is one thing. And second thing is, I know we are using a raw glass bottle. अगर आपको लगता है कि ये slip करने के chances हैं, you can definitely try wrapping it up with something which is of rubber. You can also use, you know, couple of more rubber bands so that आपको grip मिले और bottle फिसले ना. Like this, this is just a jute wrap which has been done. बट सिमिलरली आप रबर के या फिर किसी ऐसे यू नो हाउस प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं सो दैट यू गेट अ गुड ग्रिप एंड एनी मिसहैप कैन बी अवॉइडेड नाउ गाइस आई वांट टू टॉक अबाउट द क्वालिटी सो आई डोंट नो हाउ टू एम्फसाइज मोर जितना अच्छा आपका क्वालिटी होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा सो ऑलवेज ऑलवेज गो विद द रिव्यूज एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सो आई शो यू टू प्रोडक्ट्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच आई हैव So this is very durable product and it is not going to, you know, change for at least, you know, couple of years. But we have been using this particular product, although it's going good, but jabhi bhi hum isko use karte hain, we have faced ki thoda sa loose hota hai and sometimes we also, you know, feel ki isse chote bottles pe use kare to zyada better hai because uska agar aap pour karte ho to weight जो प्रोडक्ट का होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा और इसके गिरने के चांसेस नहीं होंगे एंड एट द सेम टाइम इसमें आप कितने भी हैवी यू नो प्रोडक्ट को यूज़ कर लो आई डोंट थिंक कि ये टस से मस होने वाला है एंड बिकॉज ऑफ द ग्रिप विच इज़ गिवन हियर एंड इसकी ग्रिप थोड़ी सॉफ्ट है इतनी यू नो टाइट नहीं है बट हाँ बोथ वर्क्स फाइन बट आई विल से यू गो विद अ प्रोडक्ट विच हैज़ अ बेटर रिजल्ट And at the same time, the chances of mishappen could be less. With this, I have to end this video. I'll be back with something new next week. Aapke khud ke channel mein. Hey, tab tak ke liye. Bye.